देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्र। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। नरेंद्रनगर में प्रदेश संगठन के आह्वान पर पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ विगत 23 दिसंबर से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल पर है। हड़ताल के 13 दिन बीतने के बाद भी सरकार ने अभी तक हड़तालियों की सुध नहीं ली है, जिससे आंदोलनरत कर्मचारियों का रोष बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ से इस हड़ताल के चलते पटवारी चौकियों पर ताले लटके हुए हैं। काम ना होने से जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों का सरकार जल्द निस्तारण नहीं करती है तो हड़ताली कर्मचारी उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। प्रदेश भर में पर्वतीय राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल विगत 23 दिसंबर से लगातार जारी है। आज हड़ताल का 13वां दिन है, लेकिन सरकार ने अभी तक 4 सूत्री मांगों का किसी तरह भी संज्ञान नहीं लिया है। पर्वतीय कर्मचारी, ये जो राजस्व कर्मी हैं, उनकी हड़ताल से तमाम जो लोग यहां आ रहे हैं उनको, क्योंकि दफ्तर बंद है और लगातार उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इससे जो आम जनता है उसको भी एक नकारात्मक संदेश जो है वो जा रहा है। और लोगों का भी कहना है कि इनकी मांगे मानी जानी चाहिए। और पर्वतीय कर्मचारी, ये जो संगठन है राजस्व संगठन, उनका कहना है कि सरकार अगर हमारी 4 सूत्री मांग को नहीं मानती तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। देखते हैं सरकार इनकी बात का कितना संज्ञान लेती है या सड़क पर उतरते हैं जैसा कह रही है, देखने की बात होगी। अल्मोड़ा में बहुप्रतीक्षित ट्रक टैक्सी पार्किंग का भूमि पूजन किया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बहुमंजिला ट्रक टैक्सी पार्किंग निर्माण का भूमि पूजन किया। 7,74,64,000 रुपए की लागत से बनाए जाने वाले ट्रक टैक्सी स्टैंड के लिए पैसा अवमुक्त हो चुका है, जल्द काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि सांस्कृतिक और पर्यटन नगर अल्मोड़ा में अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। अल्मोड़ा नगर में यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए टैक्सी और ट्रक पार्किंग की वर्षों से मांग थी। साल 2020 में अल्मोड़ा पहुंचने तत्कालीन बीजेपी सरकार के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा में पार्किंग बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा ने माल रोड में पार्किंग स्थल बनाए जाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद शासन को इसको स्वीकृति मिली है और आज इसके निर्माण की शुरुआत हो गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने बताया कि अल्मोड़ा में ये पार्किंग स्थल बनने के बाद लोगों को काफी सहूलियत होगी। सरकार ने इसके लिए 7,74,00,000 का बजट जारी कर दिया है। ये 7,74,00,000 से ये पार्किंग का निर्माण शुरू हो रहा है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं कहना चाहूँगा कि इससे अल्मोड़ा नगर की जो यातायात व्यवस्था है, जो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा दिक्कतें अल्मोड़ा वासियों को झेलनी पड़ रही हैं, उससे बहुत कुछ निजात मिलेगा। इस पार्किंग के बनने से हमारी गाड़ी मालिकों को काफ़ी राहत मिलेगी और सामान उतारने ले जाने के लिए भी सहूलियत होगी। तो बहुत एक बड़ा कदम ये उठा है। मैं राज्य सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। विधायक जी ने इसमें काफ़ी प्रयास किया, उनको भी बहुत धन्यवाद है। ट्रक टैक्सीजन बनने के लिए अब हमारे सरकार ने 7,74,64,000 रुपया इसमें अवमुक्त कर दिया गया है। इसका टेंडर हो चुका है। आज इसका शिलान्यास भूमि पूजन यहाँ पर कर रहे हैं। शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। आज इसका भूमि पूजन यहाँ पर हो रहा है। अब इससे हमको बहुत अच्छी सुविधाएँ मिलेगी कि आए दिन हमारे यहाँ टैक्सियाँ भी आ रहे हैं, टू व्हीलर भी आ रहे हैं, फोर व्हीलर भी आ रहे हैं और ट्रक भी आ रहे हैं। तो इसके लिए एक्सटेंड नहीं होने के कारण हमको बड़े असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। वन में होने के उपरांत भी हमको बड़ी असुविधाएँ होती थी, लेकिन अब ये असुविधाएँ नहीं हो पाएंगी क्योंकि अब हमारा जो जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और 105 गाड़ियाँ इसमें खड़ी होंगी। 105 गाड़ी खड़ी होने का स्थान हमको ये इसके लिए जो बन रहा है, ये 105 गाड़ी का ट्रक और टैक्सी स्टैंड है। और उसके साथ ही साथ जो हमारे बाहर से लोग आते हैं उन बाहर से लोगों को आने की सुविधा मिलेगी। और ये भी निर्देशित किया गया सरकार ने, ये भी निर्देशित
कलियर में ड्रग्स विभाग ने मेडिकल स्टोर पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई मेडिकल स्वामी मेडिकल बंद कर फरार हो गए, जिसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कलियर नगर पंचायत के मेडिकल स्टोरों पर औषधि निरीक्षक विजिलेंस एफडीए देहरादून की टीम ने कलियर नगर पंचायत में मेडिकल स्टोरों के दैनिक निरीक्षण के दौरान कार्रवाई करते हुए 2 मेडिकल स्टोर सीज कर दिए हैं, जिसमें से 1 मेडिकल स्टोर स्वामी को नोटिस भी दे दिया गया है और स्पष्टीकरण मांगा है। इस मौके पर कार्रवाई की भनक लगते ही कई मेडिकल संचालक अपने अपने मेडिकल स्टोर बंद कर फरार हो गए। एएफडीए संजय सिंह औषधि निरीक्षक मानवेंद्र राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करते हुए मेडिकल पर खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है और कुछ दवाइयों के नमूने की जांच के लिए भी भेज दिए गए हैं। हम लोग आए थे एएफडीए विजिलेंस से, संजय सिंह मेरे साथ थे और यहाँ कलियर शरीफ में जो है कुछ शिकायतें भी थी और कुछ उच्च अधिकारियों के निर्देश भी हमको प्राप्त हुए हैं। उसी में हम लोगों ने जो है यहाँ कलियर शरीफ में 1 मेडिकल स्टोर पे जो है कार्रवाई की थी, उसका हमने सेल परचेज पर रोक लगा दी है। कुछ दवाओं के नमूने भी दिए गए, जाँच के बारे में कार्रवाई की जाएगी। और 1 दुकान और उसमें जो है वो मौके पर कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, तो उसकी दुकान को हमने फिलहाल सील कर दिया है। 2 दिन का समय उसको दिया गया है, अगर वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है या समझ लेता है तो उसमें अधीन कार्रवाई। तीन जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून के दौरे पर थे। परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा में बोलते हुए केजरीवाल ने कई बड़ी घोषणाएं भी की थी। वहीं दिल्ली सीएम के इसी दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी से इंजीनियर शादाब आलम ने कहा कि देहरादून में आम आदमी पार्टी का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें बहुत ज्यादा तादाद में जनता ने उत्साह दिखाया है और जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है और इस जनसभा को देखते हुए सभी पार्टियां बौखला गई हैं। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में ऐसी बौखलाहट पैदा हुई है कि देखने वाली बात यह है कि उनके जो चंद लोग हैं वो ये कह रहे थे कि रैली सफल नहीं हुई। रैली इस तरीके से सफल हुई कि वहाँ पे लोगों के बैठने की जगह ख़त्म हो गई थी और रोडों पर लोग थे और इतनी मोहब्बतें मिली, इतना जनसैलाब पैदा हुआ वहाँ पर कि देखने के काबिल था जो लोगों ने मोहब्बतें वहाँ पर दी हैं। बाकी जो आर्मी के लिए आपको बता दूँ, जो केजरीवाल साहब ने घोषणा की है कि जो भी कोई शहीद होते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए दिल्ली, जैसे दिल्ली में देते हैं वैसे उत्तराखंड में भी दिए जाएंगे। ताकि जैसे रिटायर्ड आदमी ऑफिसर्स होते हैं तो उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी। तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो बिजली के क्षेत्र में हों चाहे रोजगार के क्षेत्र में हों, उन सारी बातों पर चर्चा हुई जनता के बीच में। लक्सर में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने तहसीलदार लक्सर पहुंचकर जन समस्याएं सुनी। वहीं जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने कहा कि लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें 45 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 7 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। अन्य शिकायत संबंधी अधिकारी को जांच कर निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित रही, वहीं उसके बाद विकास विभाग संबंधी शिकायतें भी सामने आई, जिनकी जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तहसील दिवस में 45 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसमें से 7 शिकायतों का निस्तारण किया गया है और शेष के लिए टाइम बाउंड ऑर्डर किया गया है कि किस शिकायत को कितने दिन के अंदर निस्तारित करना है। और मुख्य रूप से आज राजस्व विभाग की शिकायतें अधिक थी और बेसिकली पैमाइश को लेकर, चक्रोड पे कब्जे को लेकर इससे संबंधित शिकायतें थी। इसके अतिरिक्त खतौनी में दुरुस्तीकरण से संबंधित शिकायतें, ये शिकायतें आई हैं और दूसरे स्थान पर विकास विभाग से संबंधित शिकायतें रहीं। और बेसिकली उसमें मुख्य रूप से डिमांड बेस लोगों की ज़्यादा है, जैसे कि वहाँ पर पुलिया का निर्माण, तो इसको हम लोग निस्तारण इस प्रकार से करते हैं कि अगर वित्तीय प्रबंधन हमारा अनुमति देता है तो वीडियो को दिया है कार्य योजना में इसको शामिल करें। और इसके अलावा मुख्य रूप से इन्हीं 2 विभागों की। रुड़की में सतमुक्तानंद महाराज की 5वीं पुण्यतिथि पर पूजा पाठ के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि रुड़की स्थित महाकाल रामेश्वर मंदिर में संत मुक्तानंद महाराज की 5वीं पुण्यतिथि पर पूजा पाठ के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान वैद्यटेक वल्लभ ने बताया कि हमारी ओर से महाराज की 5वीं पुण्यतिथि पर पूजा पाठ के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया।
आज यहाँ महाकाल रामेश्वर धाम मंदिर ट्रस्ट में जिसका इस समय मैं अध्यक्ष प्रभारी हूँ, आज महाराज श्री सतमुक्तानंद जी महाराज जिन्होंने ये आश्रम स्थापित किया था उनकी आज पांचवी पुण्यतिथि में हमने उनको ये कार्यक्रम समर्पित करते हुए यहाँ आयोजन किया है, यज्ञ किया है और यहाँ पर प्रवचन संकीर्तन किया है और उनको हमने उनकी स्मृति में उनको याद किया है। लक्सर के खानपुर थाना पुलिस ने हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की चलाए जा रहे नशीले द्रव्य मादक पदार्थों की रोकथाम और आरोपियों की धरपकड़ अभियान चलाया गया। इसी अभियान के तहत पुलिस ने सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर दो आरोपियों को स्कूटी से परिवहन करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब की 3 बोतलों के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। में दो आरोपी है और कल जो है प्रहलादपुर पुलिया के पास जो है खानपुर पुलिस द्वारा 3 पेटी स्कूटी से ले जाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुमित और विशाल को जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। खबर लक्सर से है जहां कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लक्सर पुलिस ने लगभग 20 दिन पहले रात में डीजे की दुकान में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 1 लैपटॉप 1 एम्पलीफायर सहित काफी चोरी का सामान बरामद किया है। आपको बता दें कि दोनों शातिर चोर रुड़की के शंकरपुरी गांव के रहने वाले हैं। लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि दुकान में चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 4 आरोपी फरार है। 15/16/12 की रात्रि में जो है एक डीजे वाले के यहाँ पे जुल्फकार डीजे वाला है, उसके दुकान में चोरी हुई थी करीब 4 लाख की। एम्पलीफायर ले गए थे, लैपटॉप वगैरह ले गए थे और वो जो है लक्सर पुलिस के अर्थक प्रयास से चौकी इंचार्ज सुल्तानपुर। खबर थल से है जहां पर लकड़ी गार्ड में कार के शुभारंभ के लिए गोलीहाट में विधानसभा मीना गंगोली पहुंचे, जिसके बाद गोली और लेजम ग्रामवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और आभार जताया। वहीं विधायक मीना गंगोला ने बताया कि थल से लेजम को जाने वाली 2.80 किलोमीटर मोटर मार्ग में अब लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बरसों पुरानी सड़क में डमरीकरण और सुधारीकरण की मांग आज 22 साल के बाद पूरी हुई है। प्रदेश सरकार ने इस सड़क में डमरीकरण, सुधारीकरण और मरम्मत के लिए स्पेशल कंपोनेंट मद से 203.29 लाख स्वीकृति दी है और विधायक गंगोला ने ग्रामवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में शिलापट का अनावरण कर शिलान्यास किया। क्षेत्रीय जनता की आप 22 साल पुरानी मांग पूरी हुई है। क्षेत्रीय जनता की ये बहुत आवश्यकता भी थी यहाँ पे, जिससे जो सड़क आज यहाँ पे डामरीकरण होगा, इससे 1 दर्जन से भी अधिक गांव लाभान्वित होंगे और जो 2,03,29,000 से ये सड़क। चमोली में 194 विद्यालयों में टीकाकरण कार्य करवाया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान के जरिए पूरे जनपद में 27,743 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के दौरान सभी लाभार्थियों को कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा और इसकी सुविधा भी मिलेगी। साथ ही साथ अभियान के दौरान केवल कोवैक्सीन का ही प्रयोग में लाई जाएगी। वैक्सीनेशन अभियान की सफलता हेतु स्वास्थ्य विभाग चमोली द्वारा संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। अभियान के दौरान 15 से 18 वर्ष तक के लाभार्थियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण हेतु विकासखंड वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत विकासखंड जोशीमठ में 2,250, चमोली में 3,130, शहरी क्षेत्र में गोपेश्वर में 1,800, घाट में 2,520, कर्णप्रयाग में 4,320, नारायण बगड़ में 2,250, थराली में 2,600, देवाल में 2,000, गैरसैंण में 4,143, पोखरी में 2,430 का अभियान के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।